नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मकड़ौली टोल प्लाजा के नजदीक किसानों की होने वाली महापंचायत को लेकर प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों और किसान संगठनों के बीच कैनाल रेस्ट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान खासतौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई। किसानों की महापंचायत 16 अक्टूबर को होगी, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता शिरकत करेंगे। बैठक के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किसान संगठनों का सहयोग मांगा। साथ ही डीसी ने किसान संगठनों से आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारा अपनाए जाने की अपील की। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। मीटिंग, यस यस यस, बेसिकली इसलिए थी कि शांति, सौहार्द, अपनापन, भाईचारा, प्यार मोहब्बत वो कायम रहे, जो है इस जिले में भगवान की दया से और सब लोगों के विवेक से। कोई बहुत बड़ा विशेष प्रायोजन नहीं था कुछ भी। कुछ इश्यूज भी थे फार्मर्स के, जो उनके प्रतिनिधि हमेशा उठाते हैं, जैसे कोई डी वाटरिंग का इशू था, स्पेशल गिरदावरी से संबंधित इशू था, कोई ड्रेन्स की रिपेयर ऑब्लिक डीसिल्टिंग ऑब्लिक कैपेसिटी इंक्रीजिंग का, या कोई प्रोसेस री इंजीनियरिंग रीडिजाइनिंग के इश्यूज थे, और इसके अलावा जो भी जो किसानों के प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी कार्य योजना कोई चलती है, बनती है, आगे होना है, पीछे हुआ, वो तमाम तरह की छोटी मोटी निटी ग्रिटी डिस्कस करी गई थी। ये एक रूटीन बैठक थी जो अक्सर होती रहती है प्रशासन और नागरिकों के बीच में, चाहे वो व्यापारी तबका हो, चाहे वो कारोबार इंडस्ट्रीज का तबका हो, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे प्रेस के बंधु हो, आप लोगों से भी बैठक हमारी होती रहती है। तो आपसी मुलाकात थी जिसमें हमने उनके इश्यूज़ को भी एड्रेस किया और ये भी जाना हमने कि उनको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है और हमको उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। और बस दैट्स अबाउट ऑल। बाकी एसपी साहब ने भी कुछ बातें करनी थी, वो भी बात हुई है कि जो अक्सर हमारा वास्ता रहता है जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह या इस टाइप की चीज़ें होती हैं, या कोई ज्ञापन वगैरह देना है, कोई धरना है, कोई घेराव है, इस तरह की चीज़ें जो चलती हैं, सो उन्हीं के मुतालिक, ताकि व्यवस्था साफ सुथरी, अच्छी, सौहार्दपूर्ण बनी रहे। एक मैसेज चला हुआ है 16 तारीख को महापंचायत। देखिए, वो जैसे डीसी साहब ने बताया कि आपसी कोऑर्डिनेशन और समन्वय के लिए ही एक मीटिंग थी, और जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा कि 16 तारीख को एक संयुक्त किसान मोर्चा और बाकी जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि एक रोहतक में महापंचायत होगी, तो उसकी एक जनरल रूपरेखा के लिए भी हमने डिस्कशन करी है। और जैसा कि हमें मीटिंग के दौरान ही बताया गया है कि 12 तारीख को इन्होंने किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने एक दोबारा से अपनी मीटिंग रखी है, तो उसमें वो अपनी डिटेल्ड रूपरेखा तैयार करेंगे और हम उनसे साथ दोबारा जो है प्रशासन के साथ आपकी बातचीत हुई है 16। देखो जी, हमारी 16 तारीख की एक रोहतक के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है मकड़ौली टोल के ऊपर। उसमें प्रशासन ने हमारे को बुलाया था, हम सभी संगठनों के, हमारे ऑल इंडिया लेवल के संगठन भी है, स्टेट लेवल के संगठन भी है, सभी हमारे सभी संगठनों के मेंबर साथ मौजूद थे, डीसी साहब, एसपी साहब और डिप्टी साहब के साथ। हमने एक ये जो अपनी पंचायत रखी है, इसके लिए प्रशासन ने हमारे को बहुत बड़ा सहयोग देने की वो कही है। अगर भाई तुम्हारे वॉलंटियर हमारे साथ होने चाहिए और कहीं शहर में जाम नहीं लगना चाहिए, शहर में तो जाम हम वैसे भी नहीं लगने देंगे क्योंकि हम वाइट बाई रिंग रोड अपनी रेली सड़क अपना मैं रूपरेखा बनाई है, और मैं किसान मजदूर 36 बिरादरी को एक अपील करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि आने वाली 16 अक्टूबर को मकड़ौली टोल प्लाजा पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस पुण्य के भागी बने और गूंगी बैरी सरकार को इतना मजबूर कर दे, काले कानून वापस ले ले और एमएसपी की गारंटी दे दे हमारे को। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।